देखिए नौ पहला कॉस एक्स की घात जीरो, इसका भी क्या करना है हमको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वाई के बराबर लिखेंगे, वाई बराबर कॉस एक्स की घात जीरो। तो आपको याद होना चाहिए एक्स की घात जीरो बराबर होता है पाई एक्स बटा 180। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा ये कॉस क्या हो गया, एक्स की घात जीरो के बदले लिखेंगे पाई एक्स बटा 180। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का करते हैं, आप दोनों पक्षों का भी लिख सकते हैं, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स कॉस पाई एक्स बटा 180। तब ये हो जाएगा, देखिए अब बराबर, अब बताया था ये देखिए कॉस पाई एक्स बटा 180 ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, अवकलन डायरेक्ट नहीं, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, इसको पाई एक्स बटा 180 को हम टी मानेंगे, तो कॉस टी का होता है इतना को हमको क्या मानना पड़ेगा, टी। चूँकि आपको लिखना है पाई एक्स बटा 180 बराबर क्या लिखना है आपको, टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी और ये कॉस और इसको हमने क्या माना, टी। फिर लिखना है डी बाई डी एक्स पाई एक्स बटा 180, जिसको माननी है उसको पुनः लिखना है, ध्यान देना है एक्स है तो एक्स, टी है तो टी। अब कॉस टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी। क्लियर हुआ? अब इसमें ध्यान देना है, देखिए पाई बटा 180 क्या है, अचर राशि है, तो इसको हम अलग से लिखते हैं, पाई बटा 180 क्या लिखना, अलग से, फिर डी बाई डी एक्स लिखना और क्या लिखना, एक्स। अब ध्यान दीजिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक, तो यहाँ से ये हो गया माइनस साइन टी, तो टी ये हो गया पाई बटा 180 एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक। अब इसको आप जमा के लिख सकते हैं, माइनस ये पाई बटा 180 को आप पहले लिख दीजिए, फिर ये साइन हो गया और टी के बदले हम लोग फिर से लिख देंगे पाई एक्स बटा 180। यही क्या है इसका उत्तर है। इस टाइप का कोई भी सवाल आए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।